Hi guys, this is Ankara from Junior Study Channel. Don't mock up, try to build a personal logical study. जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एप्लीकेशन स्टेटस आया है, आप चेक कर सकते हैं ग्रुप डी का, जो 2019 में जो फॉर्म आया था जी, RRC 01/2019, जो सीरियल नंबर है, उस वैकेंसी का एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। देखिए, रेलवे ने थोड़ी सी चेंजिंग की है। रेलवे ने 2019 में देखा जाए तो सबसे पहले NTPC की वैकेंसी निकाली थी, लेकिन एप्लीकेशन स्टेटस तो ग्रुप डी का पहले दिखा रहा है। इसका मतलब चांसेस है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम सबसे पहले हो जाए NTPC से पहले, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तो एप्लीकेशन स्टेटस ग्रुप डी का एक्टिव हो गया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं जी। आप आइए, देखिए RRB इलाहाबाद के ऑफिशियल साइट पर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में लिखा है नोटिस फॉर एप्लीकेशन स्टेटस अंडर CEN नंबर RRC 01/2019, यानी ये 2019 में जो सीरियल नंबर 1 है वो RRC ग्रुप डी के बहाली का था। कि इसको क्लिक करते हैं तो आते हैं एक नए पेज पे। इस पेज में लिखा हुआ है कि देखिए, एक नोटिस लिखा हुआ है, चलिए नोटिस को पढ़ते हैं जी। चलिए नोटिस को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर कॉल्ड फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 CEN इतना, जैसे हाँ, तो एक बोल रहा है कि ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन था उसका स्क्रूटनी हो गया, प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट का और रिजेक्टेड कैंडिडेट का क्या है जी, और रिजेक्टेड कैंडिडेट अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो उसका रीजन भी दिया गया होगा। ये लिंक जो है आपको RRB के साइट अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी, भोपाल, यानी सभी RRB के साइट पर क्या किया गया है जी, लिंक दे दिया गया है। यहाँ बोल रहा है कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप डाल के आप अपने चेक कर सकें कि आपका एप्लीकेशन क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है जी। देख सकते हैं यहाँ पे 25 जुलाई को ये स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा जी लिंक, तो लिंक एक्टिव हो जाएगा, यानी आज 25 जुलाई है, आज लिंक एक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो सकता है अगर वो कोई डेटा जो इन्फॉर्मेशन दिया अगर गलत दिया होगा तो, किसी भी स्टेज पे जी, प्रोसेस के किसी भी स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, यानी जितने भी स्टेज, वहीं लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बोलता है कि अगर कोई प्रिंटिंग एरर हो, कोई मिस्टेक्स हो, अगर कोई एरर हो गया होगा टोपोग्राफिकल या प्रिंटिंग वगैरह से, तो ये RRB को ये राइट्स है कि वो क्या कर सके, उसको करेक्ट कर सकता है जी। इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस करता है आपको कि जॉब देने के लिए, या इलीगल कोई तरीका बताता है यानी घूस लेने वगैरह के लिए या दूसरा कोई मेरिट बता के, तो ऐसा कोई गलत बात है, बता रहा है कि कंप्यूटराइज बेस्ड होगा और ये मेरिट बेस्ड होगा। अगर देखा जाए तो आप भी देख सकते हैं ALP और टेक्नीशियन का जो अभी वैकेंसी निकला है वहाँ पे जाके देखिएगा तो बहुत सारे लड़के ऑब्सेंट हो रहे थे। रीज़न यही है कि बहुत सारे लड़कों का या तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है, फिर से जब दोबारा उन्हीं लड़कों को बुलाया गया तो बहुत सारे लड़के नहीं गए। ये RRB के द्वारा पहली बार ये बहुत अच्छी प्रयास थी कि जो भी बायोमेट्रिक डिसमैच हो रहा था उसको बार बार बुलाया गया, नहीं बुलाया, बार दोबारा बुलाने के बाद भी वो लोग नहीं गए, इसका मतलब क्या है, जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, उन्हें पकड़े जाने की संभावना थी इसलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं जी। इस तरह बहुत सारे एब्सेंट रहे DV और मेडिकल में, तो ये देखने को मिला है। तो अब ये जो भी गलत काम करते हैं वो लोग भले बुरे कमेंट मेरे में दें, लेकिन मैं इस मानने को तैयार हूँ कि इस बार जो दूसरे कैंडिडेट को बैठाना या घूस वगैरह जो भी इलीगल काम करते थे उनको तो इस बार मौका नहीं मिला है, इसलिए अच्छे कैंडिडेट को ये प्रोत्साहन मिला है। और ये बात तो प्रूव कर दिया RRB कि मेरिट पे ही रिजल्ट आएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो चलिए अगला पढ़ते हैं जी। अगली लाइन में लिखा हुआ है, हाँ जी, अगर कोई भी अपडेट होगा तो पीरियडिकली आपको RRB के साइट पे ही अपडेट किया जाएगा, नहीं तो आप कोई भी अनऑथराइज जो न्यूज़पेपर है या पोस्ट है या सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर कोई भी अगर सर्कुलेट हो रहा है न्यूज़ वगैरह तो आप उस पर मिसलीड नहीं कीजिए जी, क्योंकि वो गलत हो सकता है। आप ऑफिशियल साइट पे जो डेटा दिया जाएगा, जो नोटिस दिया जाएगा, उसी पे आप बिलीव करेंगे जी। आपको अगर कुछ देना होगा, आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हुआ होगा या एक्सेप्ट हुआ होगा, बोल रहा है कि अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, SMS कर दिया जाएगा जी ईमेल से, तो ये RRB के चेयरमैन के द्वारा प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं कि अब लिंक देखिए, अब दूसरे में क्या है जी, लिंक एप्लीकेशन स्टेटस का ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करने पर बोल रहा है कि अंडर मेंटेनेंस है, यानी ये आपको 10 बजे या 11 बजे के बाद ही 25 तारीख को आपको ये एक्टिव हो जाएगा जी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
आपको अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय एंजॉय योर लाइफ।